एवरीवन, मैं हूँ एकता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लुक ऑन टू कुक ऑन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों रूई जैसे सॉफ्ट दही भल्ले। दही भल्ले हम सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन इसका खाने का मज़ा तभी आता है जब ये बहुत सॉफ्ट हो, बिल्कुल हार्ड ना हो और अंदर इसकी गांठ ना हो। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे आपके दही भल्ले बिल्कुल रूई जैसे सॉफ्ट बनने वाले हैं और इसके अंदर कोई भी गांठ नहीं रहेगी। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके दही भल्ले अच्छे नहीं बन पाते और कड़े हो जाते हैं, तो वो भी शिकायत आज दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आप मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और बीच बीच में मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं, इसलिए स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए बिना देर किए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कटोरी उड़द दाल। उड़द दाल को पहले हम एक बोल में निकाल लेंगे। अगर आपको ग्राम में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां देख सकते हैं। अब इसे हम 2 से 3 बार अच्छी तरह धो लेंगे ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज हों सब निकल जाएं। जब ये अच्छी तरह से धुल जाए तो इसमें 2 ग्लास पानी डालकर हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं। इसके बाद हम लेते हैं मूँग दाल। मूँग दाल हमने 1 फुट कटोरी ली है, जो कि आधा कटोरी से भी आधा होता है। अब हम इसे भी अच्छी तरह से धो लेते हैं और 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं। मैंने ये दाल पहले से भिगो कर रखी थी, ये आप देख सकते हैं ये डबल साइज की हो जाती है। अब हम इसका पानी अच्छी तरह से छान लेंगे और उसके बाद हम इसे फूड प्रोसेसर में, अगर आपके पास फूड प्रोसेसर ना हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन फूड प्रोसेसर में क्या होता है, इसमें एयर मिक्स हो जाती है जिससे हमें इसे ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मेरा पहला टिप दोस्तों, जब भी आप उड़द दाल फेंटते हैं तो उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जब भी आप फेंटते हैं तो उसे बीच बीच में ज़रूर चला लें इस तरह से, ताकि सब तरफ से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कहीं भी दाने ना बचें उड़द दाल के। इस तरह से करने से उड़द दाल सब तरफ से एक सी पीसती है। और ये देखिए हमारी उड़द दाल पीसकर बिल्कुल रेडी है। मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ इसका, ये बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल चिकना भी नहीं, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम मूंग दाल को भी पीस लेंगे। मूंग दाल में थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं, ये थोड़ी पतली चल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे भी हमें पतला नहीं करना है। तो हम इसे इसमें मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी हम डालेंगे हींग, क्योंकि उड़द दाल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देती है, इसलिए हींग बहुत ज़रूरी है और इसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाकर फेंट लेंगे। अगर आपने ग्राइंडर यूज़ किया है तो आपको 10 मिनट तक इसे एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में घुमा घुमा कर अच्छी तरह फेंटना है। लेकिन इसे आप करछी से ना फेंटिए, इसे आप हाथ से फेंटिए तो आपके दही भल्ले बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट बनेंगे और उसमें गांठें बिल्कुल नहीं आएंगी। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आपको पता कैसे लगेगा कि बैटर बिल्कुल रेडी है कि नहीं, इसके लिए आप एक करछी लीजिए, उसमें बैटर डालिए और उसे पलट कर देखिए, ये बिल्कुल नहीं गिर रहा है, मतलब बैटर इस समय रेडी है। दही भल्ले बनाने में जो प्रोसेस में टाइम लगता है दोस्तों, वो यही प्रोसेस है, क्योंकि इसमें अगर आपने अच्छे से नहीं फेंटा तो आपके दही भल्ले कभी भी सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब हमने इसमें थोड़ी सी किशमिश ऐड की है, अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है खूब सारा, जिसमें हम दही भल्ले फ्राई करने वाले हैं। इसके लिए तेल मैं आपको बता देती हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म होगा तो दही भल्ले ऊपर से सिक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर तेल आपने ठंडा लिया तो उससे क्या होगा, दही भल्ले बिल्कुल कड़े हो जाएंगे। तो इसलिए आप तेल बिल्कुल मीडियम लें, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। अब दूसरा टिप दोस्तों, जब भी आप दही भल्ले तलते हैं तो पहले तो कुछ सेकंड उसे बिल्कुल न छुएं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर की तरफ डालते जाएं ताकि दही भल्ले ऊपर से अच्छी तरह से फूल जाएं। ये आप देख सकते हैं दही भल्ले कितनी अच्छी तरह फूले हुए हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, क्योंकि दही भल्ले वाइट ही अच्छे लगते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पानी में डालने से वो और वाइट हो जाते हैं, लेकिन दही भल्लों का एक्चुअल कलर यही होता है। लेकिन आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी फ्लेम कभी मीडियम होनी चाहिए, कभी सिम पे होनी चाहिए, हाई पे बिल्कुल ना रखें, नहीं तो दही भल्ले बाहर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
चलिए भल्लों को सीखने देते हैं दोस्तों। तब तक हम इसका पानी रेडी कर लेते हैं। एक बोल में खूब सारा ठंडा पानी लेते हैं और उसमें एक चम्मच नमक ऐड कर लेते हैं। ये तीसरा टिप है दोस्तों, जब भी आप बड़े बनाते हैं तो उसके बैटर में कभी भी नमक न डालें, हमेशा पानी में ही नमक डालें, इससे भल्ले और सॉफ्ट बनते हैं। अब आप अपने भल्लों को गरम गरम तेल से निकाल कर तुरंत ठंडे पानी में डालिए। इससे क्या होगा कि भल्लों का तेल पूरी तरह से पानी में निकल जाएगा। अब ये एक बड़ा मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल जालीदार है और अंदर छेद है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी गांठ नहीं है। इसे दबाकर भी मैं दिखा रही हूँ कितना स्पॉन्जी बना है ये। अगर आप सिर्फ मूंग दाल के बड़े बनाते हैं तो उसमें भी आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करिए, वो भी बड़े आपके बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इन्हें पानी में एक घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं, जिससे कि ये थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए एक घंटा हो चुका है, इसे मैं तोड़ कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है ये। तो अब आप भी इन टिप्स को फॉलो करके बना सकते हैं रूई जैसे सॉफ्ट दही भल्ले। लेकिन हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके भल्ले कैसे बने। चलिए अब हम इसे खाने के लिए रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे दही, जिसे मैंने फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच शुगर पाउडर। अगर आप इमली की चटनी पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, शुगर पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा भुना जीरा और आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह हम मिलाकर रेडी कर लेंगे। अब हम भल्लों को बिल्कुल थोड़ा सा हल्के हाथ से दबाकर थोड़ा सा इसका पानी अलग कर लेंगे। कई बार होता है कि लोग पूरी तरह से इसे दबा देते हैं, इससे इसका शेप बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ऐसा आप बिल्कुल ना करें, बिल्कुल हमें हल्के हाथ से इसे थोड़ा सा दबाना है। इसी तरह हमने सारे भल्ले तैयार कर लिए हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे दही जो कि हमने रेडी करके रखा था। अब हम इसमें डालेंगे इमली की चटनी। अगर आप इमली की चटनी पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप शुगर पाउडर डाल लीजिए, ये तब भी बहुत टेस्टी लगेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें धनिया, अदरक, हरी मिर्च और पुदीना मिक्स है। अब मैंने लाल मिर्च की चटनी बना कर रखी थी, जिसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा भुना जीरा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे और गार्निश करेंगे बारीक सेव से और थोड़े से अनार के दानों से। दही भल्लों में सबसे इम्पॉर्टेंट भल्ले होते हैं दोस्तों। अगर आपके भल्ले सॉफ्ट बन गए तो उसके बाद आप उसे किसी भी तरह से गार्निश करिए, वो बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, आप जल्दी से इन टिप्स को फॉलो करिए, बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भल्ले अच्छे बने या नहीं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे मेरा जो भी वीडियो रहेगा वो आप आसानी से देख पाएंगे। और बेल आइकॉन तो ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।